मेरा आप सबसे एक सवाल है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमको ऑफ रोड करना है और सबसे ज्यादा बेस्ट एसयूवी कौन सी है, अगर आप बोलने वाले हो फॉर्च्यूनर तो बिल्कुल नहीं, अगर आप बोलने वाले हो लैंड रोवर डिफेंडर तो बिल्कुल नहीं, और अगर आप सोच रहे हो भाई जी वैगन तो सबसे अच्छी ऑफ रोडर है तो नहीं भाई, और लास्ट में अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमारे पास एक लैंड क्रूजर है तो नहीं भाई लैंड क्रूजर भी नहीं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी गाड़ी है जो डिफेंडर जी वैगन से भी ज्यादा अच्छी ऑफ रोड कर सकती है, तो मेरे भाई है एक ऐसी गाड़ी। तो भाई ये वो गाड़ी है, इसका नाम है टोयोटा 4Runner। भाई ऐसा कहते हैं कि ये गाड़ी सबसे अच्छी ऑफरोडर है, तो फिर हमने सोचा चलो इस गाड़ी को टेस्ट करते हैं। और भाई हमने हर तरीके से इस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की है, खतरनाक से खतरनाक टेस्ट करे इस गाड़ी के साथ, तो आप लोग एंड तक वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब सब लोग कर लेना प्लीज। इस खतरनाक ऑफरोडर का टेस्ट स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन टेस्ट के साथ, जहां पे हमारे सामने है 100 स्पीड ब्रेकर्स। और भाई जैसा कि मैंने सोचा था इस गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लोग खुद देखो कितना स्मूथ लीन ब्रेकर के ऊपर से निकल रही है, लाइक आप कोई नॉर्मल रोड पे नहीं चला रहे हो इस गाड़ी को, आप चला रहे हो 100 स्पीड ब्रेकर के ऊपर, वो भी मोर देन 100 की स्पीड से, आप लोग स्पीड देख सकते हो। और भाई इस गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लोग स्लो मोशन में ध्यान से देखो इसके सस्पेंशन काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं कर रहे। और ये लिटरली गाड़ी इतनी ऊंची है, इतने बेटर सस्पेंशन है इसके, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, मतलब ऐसा लग रहा है रोड पे चल रही हो। और स्पीड देखो ऑलमोस्ट 130 की स्पीड से गाड़ी चली, मतलब भाई ब्रेकर वगैरह तो इस गाड़ी को फील भी नहीं होने वाले, क्योंकि ये गाड़ी खतरनाक है तो इसका टेस्ट भी खतरनाक होना चाहिए। अभी हम लोगों ने टेस्ट किया छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स, अब टेस्ट करते हैं बड़े वाले स्पीड ब्रेकर्स। भाई ये देखो इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं, और भाई कितना स्मूथ ये गाड़ी उन स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जा रही है, आप लोग खुद देखो भाई। और इसका जो केबिन है ना, जहां पर ड्राइवर पैसेंजर बैठते हैं भाई, वहां तक तो फील भी नहीं हो रहा कि ये गाड़ी के नीचे रोड नहीं है, इतने बड़े बड़े ब्रेकर है, मतलब भाई ये क्रेजी गाड़ी है। अब इस गाड़ी का करते हैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट और देखते हैं भाई गाड़ी कितनी ज्यादा मजबूत है। देखो ये गाड़ी टोयोटा की है तो मजबूत तो है, बट कितनी ज्यादा मजबूत है वो हम लोग पता लगाते हैं। वैसे बहुत ज्यादा बाउंस कर रही है गाड़ी, आप लोग देख सकते हो वैसे कूद रही है भाई ये गाड़ी सीरियसली। ओके गलत जगह जा चुकी है भाई, इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा एक बार ये गाड़ी पलट चुकी है, फिर भी ये गाड़ी एकदम मस्त चल रही है, मतलब यार एक बात तो क्लियर है कि आपके पास अगर ये गाड़ी है तो एक बार तो आप इसको पलटा सकते हो, एक बार पलटने में इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला, आप लोग देख सकते हो एकदम मक्खन चल रही है एक बार पलटने के बाद भी, यार ड्यूरेबल तो है ये गाड़ी। और पानी में नहीं जाना है, पानी में जाओगे तो बाहर हो जाओगे, माँ कसम भाई क्या ही गाड़ी है ये, मुझे लिटरली लगा ये पानी में गिर जाएगी। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे कंट्रोल करना नहीं आता भाई, इसका जो सामने का स्टीयरिंग है वो खराब हो चुका है, आप लोग देख सकते हो ये वाला जो टायर है ना परमानेंट लेफ्ट के साइड हो गया है देखो ये, तो हाँ थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी अब, क्योंकि गाड़ी का स्टीयरिंग खराब हो गया तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर रहा अपनी मर्जी से। ये देखो कहीं भी जा रही है भाई, कहीं भी जा रही है, ट्रैक यहाँ है, गाड़ी एकदम पूरा लेफ्ट की तरफ पुल कर रही है बहुत ज़्यादा। ओके बट ट्राई करता हूँ मैं कंट्रोल करने की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरी गलती से पलटी है गाड़ी तो मुझे कंट्रोल करना ही पड़ेगा इसको, बट कोई नहीं। आप लोग ड्यूरेबिलिटी देखो भाई, लिटरली भाई क्या ही गाड़ी बना दी टोयोटा ने, ये देखो वापस से भाई पूरा लेफ्ट की तरफ पुल कर रही है गाड़ी खुद को, एक और बार पलटने के बाद भी ये गाड़ी चल रही है भाई, ये गाड़ी कुछ अलग ही है लाइक सीरियसली। और अब इसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया भाई, ये गाड़ी खुद को लेफ्ट की तरफ इतना ज़्यादा पुल कर रही है ना कि रोड का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। सबसे बड़ी जंप आई और अब गाड़ी में अच्छा खासा इम्पैक्ट आना चाहिए, बट सरप्राइजिंगली इस गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही ड्यूरेबल है भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी इसी काम के लिए बनी है। टोयोटा 4Runner सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, और हम तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग से भी बढ़ के कुछ कर रहे हैं, हम तो गाड़ी को जंप करा रहे हैं सीरियसली। देखो एक और जंप आ गया, और आई डोंट थिंक अभी ये जंप वगैरह से उसके इतना कोई फर्क पड़ रहा है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज टू हो गई ये गाड़ी इन जंप्स के, और इस वाले मैप में इतना आगे तक कोई भी गाड़ी अभी तक नहीं आई थी, इवन फॉर्च्यूनर भी नहीं आ पाई थी। वैसे फॉर्च्यूनर को इस गाड़ी से कंपेयर करना, ओके एक और बार पलट चुकी है ये गाड़ी, वाओ मतलब चल कम रही है पलट ज्यादा रही है गाड़ी। हमारा ट्रैक ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इस गाड़ी की हालत देखो, और अभी भी अगर मैं इसका इंजन ऑन करूंगा, ये देखो भाई ये इंजन ऑन किया, ये गाड़ी चलना स्टार्ट कर गई, मतलब भाई ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही ड्यूरेबल है एक्चुअली में। अब कुर्सी की पेटी बांध लो, चूंकि अब होने वाला है माहौल गर्म, जो कि अब होगा एक्सट्रीम ऑफ रोड टेस्ट। लेट्स गो, स्टार्ट कर दिया अपन लोगों ने ऑफ रोड चैलेंज। एक फन फैक्ट बताता हूँ भाई, ये वाला जो ऑफ रोड चैलेंज है इसको सिर्फ एक ही गाड़ी अभी तक कर पाई है, वो भी टोयोटा की, आप सबने गैस कर लिया होगा, टोयोटा लैंड क्रूजर, मतलब सिर्फ टोयोटा लैंड क्रूजर इस वाले चैलेंज को कर पाई है। तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा ये चैलेंज कितना ज़्यादा खतरनाक है, बट यार मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना ये गाड़ी लैंड क्रूजर से भी ज़्यादा अच्छा ऑफ रोड करती है, बट देखते हैं यार, क्योंकि अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी से हम कुछ बोल नहीं सकते। और हाँ अभी तक तो गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बट अगर मैं पावर की बात करूँ ना तो भाई लैंड क्रूजर में थोड़ी सी ज़्यादा पावर है इस गाड़ी से, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो गाड़ी ना मतलब आप बोल सकते हो काइंड ऑफ इस गाड़ी से भी बड़ी गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ पैसे, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ इंजन पावर,
बट हाँ ये गाड़ी भी कोई बुरा परफॉर्म नहीं कर रही, और ये पहला पड़ाव है जहाँ पे इस गाड़ी को इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा बिना रिवर्स आए। कमॉन कमॉन। और नहीं यार, ये गाड़ी ऑफ रोड में स्ट्रगल तो कर रही है, बट कोई नहीं, एक बार मैं थोड़ा पीछे से ट्राई करता हूँ। ये इस गाड़ी का सेकेंड ट्राई है, कमॉन टोयोटा 4Runner। बहुत तारीफें सुनी है मैंने इस गाड़ी की, कमॉन 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 कमॉन, स्ट्रगल कर रही है बट मेरे हिसाब से चढ़ जाएगी भाई। ओके ओके ओके, थोड़ा सा और बचा है, कमॉन कमॉन, नाइस, लेट्स गो। तो हाँ भाई, जैसे तैसे हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और भाई इससे समझ आता है कि टोयोटा लैंड क्रूजर बहुत क्रेजी गाड़ी है, क्योंकि भाई आप सबको पता होगा टोयोटा लैंड क्रूजर ने इस वाली जगह को बहुत ही आराम से कर लिया था। और भाई ये गाड़ी जिसको दी अल्टीमेट ऑफ रोडर बोलते हैं, पूरे इंटरनेट पर ये कहा जाता है कि ये गाड़ी सबसे अच्छी ऑफ रोडर है टोयोटा की तरफ से, बट नहीं भाई, ये गाड़ी स्ट्रगल कर रही थी वहाँ पे। तो हाँ, इससे ये समझ आता है कि भाई लैंड क्रूजर तो भाई पापा है सारी ऑफ रोड गाड़ियों का। वैसे यार इसकी जो धूल उड़ती है ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है भाई, दिखता ही नहीं है कुछ सामने धूल के कारण, इतनी रियलिस्टिक धूल है। देखो आप पीछे देखो, ये देखो ये धूल दिख रही है आप लोगों को। ओके, अब और ज़्यादा मुश्किल जगह आ चुकी है, और ये ब्रिज से मेरे को डर लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है टूट जाएगा कभी भी, ऐसा लगता है मुझे। ये भी पहाड़ बहुत मुश्किल है भाई चढ़ना, यहाँ पे हमारी डिफेंडर जैसी गाड़ियों ने बहुत स्ट्रगल किया था, बट शायद ये गाड़ी ओके नीचे आएगी तो गिर जाएगी भाई। नीचे मत आना भाई, इतना आगे जाके कमॉन चढ़ जा भाई, कितना स्ट्रगल करती है चढ़ने में यार ये गाड़ी, चढ़ जा कमॉन 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 कमॉन, थोड़ा सा बचा है, नाइस। एक दिल की धड़कने बढ़ा रही है गाड़ी कसम से। अब हम लोगों को बहुत ही संभाल के इस गाड़ी को नीचे उतारना है, धीरे से उतरेंगे भाई, कोई जल्दी नहीं है हमको, कहीं नहीं जाना मेरे को, मैं बस खाना वाना खा के रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ। ओके, धीरे से आगे जाके टकराना मत, क्योंकि आगे और ज़्यादा डाउनहिल आने वाली है। और ये मनहूस पत्थर आ गया भाई, ओए टकराई गाड़ी इससे, आई डोंट नो, कुछ तो डैमेज हुआ है गाड़ी का, बम्पर वगैरह डैमेज हुआ होगा, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम चुपचाप निकल जाएंगे बिना किसी नुकसान के। यस ऑफ कोर्स। हाँ भाई, ये गाड़ी धीरे धीरे प्रूव कर रही है कि क्यों ये गाड़ी दी अल्टीमेट ऑफ रोडर है। और अब यहाँ पे आ चुके हैं पत्थर, और हमें लिटरली इन पत्थरों के ऊपर से इस गाड़ी को निकालना है। अब पता चलेगा भाई ये गाड़ी कितनी ज़्यादा केपेबल है ऑफ रोड के। ओ, पलटना नहीं, क्योंकि ये गाड़ी मुझसे पलटी थी तो मैंने इसको सीधा कर लिया हूँ, क्योंकि ह्यूमन एरर्स हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ओके, पत्थर वगैरह से तो ये गाड़ी शायद निकल जाएगी। ओके, इजी पीजी, थोड़ी बहुत गाड़ी की बॉडी डैमेज हुई है बट निकल गई, नो डाउट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी निकल जाए। धीरे से, इजी पीजी। ओके यार, बड़ी मुश्किल रोड है यार ये तो, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, इवन तो मैं दूसरी बार कर रहा हूँ ये चैलेंज को, एक बार मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और ये जगह मुझे याद है, यहाँ पे हमारी एक बहुत ही फेमस गाड़ी ब्रेकडाउन हुई थी, जिसको याद हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताऊँ, मैं तुम्हारे कमेंट को पर्सनली लाइक करूँगा भाई, जो कि जिसने बता दिया ना भाई वो डाई हार्ड फैन है भाई ऑफ रोड वीडियोज़ का। ओके, इजी पीजी, देखो उतना ज़्यादा तो स्ट्रगल नहीं कर रही है ये गाड़ी, है ना, आप लोग देख सकते हो थोड़ी, मतलब नो डाउट ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बट ऑफ रोडिंग में तो यार बहुत ही अच्छी है बे, है ना। वैसे हाँ, ये चीज़ भी है कि हम लोग इस गाड़ी का ऑफ रोड एडिशन यूज़ कर रहे हैं, और फंस चुकी है क्या गाड़ी, हेलो, इसका सफ़र ख़त्म हो गया क्या भाई, ऐसा लग तो रहा है फंस गई है मेरे हिसाब से गाड़ी। ओके, मैंने तो देखा ही नहीं भाई गाड़ी फंस चुकी है, क्या हम निकाल सकते हैं? यस, हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम है हैवी ड्राइवर। पर अब आप लोगों को पता चल रहा होगा ये रोड कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। ओके, अब इस गाड़ी को ऊपर चढ़ना है, यहाँ से चढ़ तो जाना चाहिए बट थोड़ा सा स्ट्रगल तो करेगी ही ऑब्वियसली। कमॉन कमॉन 4Runner यार, कैसे टोयोटा लैंड क्रूजर को बीट करोगे तुम? स्पीड बना के चढ़ते हैं, 1 2 3 लेट्स गो, फुल एक्सेलरेटर, और पलट गई, वाओ, यही रह गया था बाकी। वापस से हमने गाड़ी को ठीक कर लिया है, मतलब सीधा कर लिया, और अब कितना ही स्मूथली निकल गई भाई ये गाड़ी। ओके, एकदम मजाक में निकल गई है ये गाड़ी, मानना पड़ेगा। वैसे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेस्ट होने के बाद भी यार इस गाड़ी का इंजन साथ दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और अब और भी ज़्यादा मुश्किल जगह आ चुकी है, जिसको ये गाड़ी शायद नहीं निकल पाएगी मेरे हिसाब से भाई। ये ऑफ रोड आके जैसे तैसे निकल गई है, मान गए भाई इस गाड़ी को कसम से यार, क्योंकि मैंने ना इस गाड़ी से ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई कोई गाड़ी नहीं देखी, बट चलिए चल रही है, लाइक खुद देखो कितनी डैमेज हो चुकी है भाई ये, इसका ऐसा लग रहा है हर हिस्सा डैमेज हो चुका, बट चलिए चल रही है। और ये चीज़ तो हम लोगों ने सेकेंड चैलेंज में भी देखी थी, वो ड्यूरेबिलिटी वाले में, कि ये डैमेज होने के बाद भी चलती है। और अब मुझे विनर दिख रहा है, क्योंकि इसको सिर्फ अब छोटे मोटे पत्थरों से निकलना है, और ये गाड़ी दी अल्टीमेट ऑफ रोड चैलेंज। ओके, इसका टायर पंचर हो गया भाई एकदम लास्ट में आके, बट क्या हम इस पंचर टायर से इस वाली जगह से निकल पाएंगे? कमॉन। ओके, मतलब भाई कसम से बता रहा हूँ, मैं बहुत ही कम गाड़ी इस वाले चैलेंज को कर पाती है, और दो गाड़ी कर पाई है जो कि दोनों टोयोटा की है।
अब हम लोग वो काम करने वाले हैं जिसमें मजा तो बहुत आता है, साथ ही साथ गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी भी टेस्ट हो जाती है। मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, हम लोग करने वाले हैं जंप टेस्ट, वो भी इस खतरनाक, इस इतनी ज्यादा भारी एसयूवी के साथ। हमने ना अंदर हमारा दोस्त बिठा रखा है, आप लोग देख सकते हो भाई, इसका नाम है पप्पू। तो अगर ये गाड़ी इस वाले पप्पू की जान बचाने में काबिल होती है, कामयाब होती है, तो हम मान लेंगे भाई ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा तगड़ी गाड़ी है। अब देखते हैं भाई। वैसे ना इस वाले चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, मतलब इस वाली जंप को कंप्लीट करने के लिए गाड़ी की स्पीड 180 तक तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो अगर ये गाड़ी 180 से कम में इस वाले रैंप को हिट करेगी तो ये सीधा ब्रिज से नीचे गिर जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी बहुत महंगी गाड़ी है ये। अब देखते हैं भाई, ऑलमोस्ट 180 की स्पीड में ही हम लोग जंप लेने वाले हैं। भाई 180 भी पूरी नहीं हो पाई है, जंप बहुत बुरी होने वाली, मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। भाई अब आप लोग देखो हमारी करोड़ों की गाड़ी को टूटते हुए। गाड़ी की चेसी ही अलग हो गई, ये क्या देखने मिला है भाई, ये पहली बार हुआ किसी गाड़ी के साथ। इस गाड़ी की बॉडी अलग हो गई उसकी चेसी से, आप लोग खुद देखो भाई ये क्या चल रहा है। और सोचना भी मत अंदर जो बंदा बैठा था वो जिंदा बचा भाई, वो तुरंत ही मर गया, विद इन सेकंड्स मर गया। और खुद गाड़ी की हालत देखो आप लोग, ये पहली बार किसी गाड़ी के साथ हुआ है कि उसकी बॉडी ही अलग हो गई। मतलब भाई हाथ जोड़ लो, इस गाड़ी को कभी जंप मत कराना। वीडियो खत्म करने से पहले चेक करते हैं क्या ये गाड़ी सीढ़ी चढ़ सकती है, और भाई कितना स्मूथली ये गाड़ी सीढ़ी चढ़ रही है। देखो भाई एक बार स्पीड पकड़ ली तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, मतलब भाई ये गाड़ी ऐसे किसी भी काम को बहुत ही आराम से कर लेती है। वो तो हाँ जंप टेस्ट में गाड़ी फेल हो गई क्योंकि इसकी चेसी अलग हो गई थी, बट यार देखो सीढ़ियाँ चढ़ने वाले इतने मुश्किल टास्क को ये गाड़ी कितना ईजिली कर ले रही है। और ये करने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, प्लस इसके इंजन में अच्छी खासी पावर है, क्योंकि इस वाले रैंप में हमने बहुत सारी गाड़ियों को सीढ़ियाँ उतराएं और गाड़ी उतरते उतरते डैमेज हो जाती है, और ये गाड़ी तो भाई चढ़ने में डैमेज नहीं हो रही यार, कितना फ्लुएंटली चढ़ रही है, आप लोग देख रहे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस गाड़ी को। मतलब यार कुछ भी बोलो, मैं इस गाड़ी की कितनी बुराई कर लूँ, ये गाड़ी है तो बहुत दमदार। भाई मान गए टोयोटा 4Runner को बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी। बाय द वे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इसी टाइप का अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। मैं मिलता हूँ कल एक नई इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो के साथ। AFK1M साइनिंग आउट। जाओ यार अब। वेलकम टू उत्तर प्रदेश में, युवा नेता फ्रॉम पत्नी गली, लैंड ऑफ द गैंगस्टर्स फिल्ड विद बूमर्स एंड छपरीज, हाथ पे हाथ रख के करता हूँ मैं ग्रिप चेक, शर्ट पे कोट शाइन करता मेरा ड्रिप चेक, खींच के फोटो में स्क्वायर काट के कोट में, हाथ जोड़ के खड़ा होता नेता वाले पोज में, मैं युवा नेता बनता सबको खुली धमकी देता पर एक